नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से सब कुछ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के किसी भी बयान पर एक्शन में आ जाना उन दलों का जो एनडीए में सरकार का हिस्सा है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो बात भारत लाइव शुरू से आपको बताता आ रहा है कि 2020 के जो चुनावी परिणाम आए हैं उस परिणाम ने कहीं ना कहीं सरकार में तो जरूर एनडीए को ला दिया है, लेकिन सरकार अस्थाई है इस पर संशय अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के उस कठिन सियासी समीकरण की ओर अगर देखें तो आपको सीधे नज़र आ जाएगा कि वो समीकरण बहुत ही महीन डोर पर टिकी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और इन बैठकों में जो वो सियासी बयान दे रहे हैं उन बयानों का असर नज़र आने लगा है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 महीने के अंदर सरकार गिरने वाली बात तो कही ही, उसके बाद जब वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे तब उन्होंने एक और बात कही जिसने बिहार की राजनीति में और ख़ास करके उनके प्रतिद्वंदियों के बीच जंग छेड़ दिया है। वो अपने आप को सजाने संवारने और संभालने की तैयारी में लग गए हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए और जदयू के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ये दावा भी हो रहा था कि आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं जेडीयू के, ये दावा किया था जेडीयू ने। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जेडीयू और महागठबंधन के अन्य साथियों ने यह दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के बीच समीकरण गड़बड़ाने वाला है। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार नीतीश कुमार और पार्टी के भीतर चल रहे हलचल को लेकर के अब असहज महसूस कर रहे हैं और कभी भी पाला बदलने के लिए तैयार हैं, इस बात का दावा लगातार किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से। अब तो कांग्रेस ने भी इस दावा को करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में हाल के राष्ट्रीय राजनीति के तरफ अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी उथल पुथल हुआ है। एलजेपी को लेकर के भी जो बातें सामने आई हैं उसने भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे तौर पे यह दावा कर दिया था कि अगले 5 साल तक ये सरकार को कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे ही पल तेजस्वी यादव के बयान पर वो असहज दिखने लगते हैं और उस पर कोट करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आज के समय में जदयू के एक बड़े नेता के रूप में हैं। उन्होंने एक बड़ा कुनबा जदयू में जोड़ करके अपने लिए तो स्थान बनाया ही, उसके साथ ही नीतीश कुमार को भी मजबूत किया है। इन सारे समीकरणों को देख करके जिस तरह से तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है उसमें सिर्फ जदयू ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बयान दिए बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो पलटवार किया ही था, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया और इसके बाद जदयू के लगातार कई नेताओं ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव के बयान को अगर इतनी तरजीह नहीं दी जा रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव को इतना तरजीह दे रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है खास करके आरजेडी की तरफ से कि इस सरकार जो है वो जोड़ तोड़ की सरकार है, ये सरकार चलने वाली नहीं है, इन सब बातों के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है और खासकर लगना भी चाहिए क्योंकि दो ऐसे दल हैं जिनके पास 4-4 सीटें हैं और उनका भले ही एनडीए की तरफ अभी विश्वास नज़र आ रहा हो लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरह से अपनी बातों को रखने और बयान दे रहे हैं उससे भी संशय पैदा होता है कि वो क्या करेंगे। 243 सीटों में अभी जो स्थिति है वो एनडीए के पास 127 का समर्थन प्राप्त है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 74 हैं तो 44 विधायक जो हैं उसमें राजकुमार सिंह बसपा के, जमा खां हैं और एलजेपी के उसमें हैं, एक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। इन सब को मिला करके जो 43 में से 42 बच गए थे और 2 लोगों ने समर्थन किया है। इन सब के साथ अब स्थिति जो ये है कि 243 वाले विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 का है और 125 के आसपास 125 से 26 जो हैं वो एनडीए की तरफ हैं, यानी कि 3 का अंतर है। इन सारी बातों को लेकर के जहां महागठबंधन की तरफ 75 विधायक आरजेडी के हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं, 16 विधायक
वाम दलों के हैं, ये सब मिलाकर के 110 हो जाते हैं और इनके पास 12 की संख्या कम रहती है। हालांकि इसमें AIMIM के 5 विधायक यदि जुड़ जाते हैं, जो कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उन्हें जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में 5 विधायक जुड़ जाते हैं तो ये आंकड़ा 115 का होता है और 7 सीटों से दूर रह जाते हैं। अगर ये 4-4 सीट वाली दो पार्टियाँ पाला बदल देती हैं तो कभी भी सरकार बदल सकती है, क्योंकि इनके भी महत्वाकांक्षाएँ कम नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक बात लगातार कही जा रही है कि तेजस्वी यादव का दावा यूं ही नहीं है, जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं और मुकेश सहनी ने भी जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी। इस बीच में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई थी मुकेश सहनी की। जीतन राम मांझी दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार से मिलकर गए थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तेजस्वी यादव के बयान को यूं ही नहीं लिया जा सकता है। उस बयान में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर के उनके विरोधी लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाली स्थिति बताएगी, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में जो सरकार चल रही है NDA की, वो सरकार पूरी तरह से स्थिर नहीं है, ये बात तो दावे के साथ कहा ही जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।